राजभर की सियासत के केंद्र बिंदु में 17 अति पिछड़ी जातियों को ओबीसी से एससी वर्ग में शामिल कराना है। ये सालों पुरानी मांग है। कई दल इस पर आक्रामक राजनीति की राह पर हैं, लेकिन राजभर को भरोसा है कि अब जल्द ही ये मांग पूरी होने वाली है। ये भरोसा भी किसी और से नहीं बल्कि भाजपा की मौजूदा केंद्र और राज्य की सरकार से है। राजभर की राजनीति के ये वो परस्पर विरोधी पहलू हैं जिसका आपस में कोई मेल है ही नहीं। बावजूद इसके सपा अध्यक्ष अपने अंदाज में सावधान एक्सप्रेस को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस अति पिछड़े वोट बैंक को एकजुट करने में जुटे हैं, उनमें कम से कम 17 जातियां हैं जिसकी राजभर हर सभा में दुहाई देते हैं। 25 करोड़ आबादी है, इतनी जाति है, यहाँ तो अहिर गड़ेरी कुनबी कोईरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आरा कर्कवंशी बंजारा बहेलिया जाट गुजर आरा कर्क ये सब जाति हैं, यही में जाइए और कहाँ जाइए लोग। यूपी के कुल मतदाताओं में 4% राजभर वोटर है। इन्हीं मतदाताओं की धुरी पर टिकी है सुभाषपा की सियासी ताकत। राजभर के पास अब सीमित विकल्प है कि या तो वो भाजपा के साथ जाएं या फिर नया मोर्चा बनाएं। नया मोर्चा बनाने की सूरत में कामयाबी की गारंटी नहीं, क्योंकि राजभर ऐसा प्रयोग पहले भी करके देख चुके हैं। राजभर 1981 में राजनीति में उतरे, लेकिन पहली बार विधायक 2017 में तब बने जब भाजपा ने उनके साथ गठबंधन किया। यानी पहली बार एमएलए बनने में ही राजभर को 36 साल लग गए। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि अब राजभर किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। भाई वो अपना बूथ नहीं जीता सकते बीजेपी को समर्थन देने के लिए, इनडायरेक्ट समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी बीजेपी को ईडी और सीबीआई के डर से। जिस तरह बसपा दे रही है उसी तरह समाजवादी पार्टी दे रही है, अगर इसका बेहतर और आगे आपको ले चलें। राजभर की अब तक की राजनीतिक राह, 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा, जीत के बाद उनको योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया, लेकिन मई 2019 में विवादित बयान के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद सुभाषपा अध्यक्ष ने अपने अगले कदम को लेकर सियासी सस्पेंस बनाए रखा। वो महीनों तक ओवैसी के साथ भी दिखे, लेकिन 2021 में सपा से हाथ मिला लिया। राजभर ने 4 दशकों की अपनी सियासत में कई प्रयोग किए। राजभर भले ही आज राजनीति के केंद्र बिंदु में, लेकिन उनके सियासी राह में सालों पहले तक सूनापन दिखता था। राजभर ने 2002 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई थी, 2017 में भाजपा से गठबंधन किया, 4 विधानसभा सीटें जीती। 2017 चुनाव में 6,07,911 वोट मिले। भाजपा के साथ गठबंधन में राजभर की पार्टी को 0.7% वोट मिले। 2021 में सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने 19 सीटों पर किस्मत आजमाई, जिसमें से 6 पर उसकी जीत हुई। इस साल के चुनाव में सुभाषपा को कुल 12,52,000 वोट मिले। सपा के साथ गठबंधन में सुभाषपा को 1.36% वोट मिले। अब सपा से गठबंधन टूटने के बाद सुभाषपा की ताकत बढ़ाने के लिए मजबूत गठबंधन की फिर दरकार है। नए दौर में भाजपा स्वागत को तैयार है, लेकिन राजभर ने अभी भी सस्पेंस को कायम रखा है। देखिए, कोई भी बयान इस तरह का नेता अपने कैलकुलेशन के साथ देता है, तो हो सकता है यह बयान उसी कैलकुलेशन पर आधारित हो कि इससे वो साबित करने की कोशिश करे कि अब जब उनका और अखिलेश यादव का रिश्ता पिछले चुनाव के बाद टूट गया है, तो स्वाभाविक है कि उनका रिश्ता वापस जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव वो दिखाना चाहते हैं। अपने समुदाय को, राजभरों को ये यकीन दिला सकें कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, और वो चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी से भी उनका नाता टूट गया है, इसलिए स्वतंत्र रूप से वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हालांकि 2024 अभी बहुत दूर है, इस दौरान कुछ भी हो सकता है। अगर वो भाजपा में जाना तय करते हैं तो परिस्थिति बिल्कुल दूसरी होगी, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना तय करते हैं तो परिस्थिति दूसरी होगी। राजभर के सियासत को करीब से देखने वालों के लिए भी इस वक्त ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि आखिर राजभर किधर जाने वाले हैं और सावधान यात्रा का असली मकसद क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि इस नई यात्रा ने राज्य की राजनीति की तपिश बढ़ा दी है। सवाल है कि लखनऊ से सीधे पटना कूच का मकसद आखिर क्या है। यूपी तक तो ठीक है, लेकिन बिहार में सुभाषपा का क्या इरादा है।
जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये स्पष्ट किया है कि वे इस तरह का दौरा करेंगे और अपने भारतीय जनता पार्टी विरोधी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है ये उसके टक्कर में राजभर अपनी एक कोशिश सामने ला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश में पूरे कुछ नहीं है, बिहार में क्या होगा, बिहार की अलग पॉलिटिक्स है, अलग वहाँ के लोग हैं, तो ये तो आने वाला समय बताएगा, इसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पटना के गांधी मैदान से आखिर राजभर क्या संदेश देने वाले हैं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।